तो यहां पर भाई फाइनली एंड फाइनली बहुत दिनों के इंतजार के बाद पोको M3 Pro 5G डिवाइस के लिए इंडिया पे एक और नया बहुत ही ज्यादा कमाल का न्यू अपडेट इंडिया पे फाइनली एंड फाइनली रोल आउट होना भाई स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर भाई अगर आप पोको M3 Pro 5G डिवाइस के यूजर हो तो आज का ये वाला वीडियो आप पोको M3 Pro 5G यूजर्स के लिए भाई सच में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से वर्जन के दौरान एक और न्यू अपडेट इंडिया पे पोको M3 Pro 5G डिवाइस के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है, अपडेट का साइज़ क्या है एंड इस न्यू अपडेट के बाद आपके पोको M3 Pro 5G डिवाइस के अंदर आपको Xiaomi की तरफ से क्या क्या न्यू अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना। उससे पहले भाई चैनल पर नए आ रहे हो और ऐसे ही पोको M3 Pro 5G डिवाइस के अपडेट के वीडियो आप फ्यूचर पे हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हो भाई, तो यहाँ पर फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है भाई उसको आप जरूर से ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपको फ्यूचर पे और भी देखने को मिल जाएंगे हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चले दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोको M3 Pro 5G डिवाइस के लिए इंडिया पे जो न्यू अपडेट भाई रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है ऑफिशियली Xiaomi की तरफ से भाई, अपडेट का यहाँ पर वर्जन है MIUI 13.0.6.0। जी हाँ भाई MIUI 13.0.6.0 न्यू वर्जन के दौरान एक और न्यू अपडेट भाई फाइनली एंड फाइनली बहुत दिनों के इंतजार के बाद पोको M3 Pro 5G डिवाइस के लिए इंडिया पे रोल आउट होना स्टार्ट यार हो चुका है। तो अगर आपके पास भाई पोको M3 Pro 5G डिवाइस है तो आपको यहाँ पर एक काम करना है, सबसे पहले आपके डिवाइस की सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद अबाउट फोन में जाना है, उसके बाद आपके डिवाइस की सिस्टम अपडेटर या फिर सॉफ्टवेयर अपडेटर कोई भी आप बोल सकते हो, वहाँ पर जाके आपको चेक करना है ये वाला जो न्यू अपडेट है आपके डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिला है या फिर आपके डिवाइस के अंदर ये वाला अपडेट आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है, मुझे कमेंट करके बताना भाई। अगर आपको अपडेट मिल गया तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, आप तुरंत अभी का भी अपडेट कर लो आपके डिवाइस को। और ये वाला अपडेट अगर आपके पोको M3 Pro 5G डिवाइस के अंदर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, कैसे आपको अपडेट मिलेगा, कैसे आपके डिवाइस को तुरंत अभी का भी अपडेट कैसे करेंगे, वो सब कुछ मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आज की वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर भाई अब हम लोग बात करते हैं MIUI 13.0.6.0 न्यू अपडेट के बाद आपके पोको M3 Pro 5G डिवाइस के अंदर आपको Xiaomi की तरफ से क्या क्या नए फीचर देखने को मिलता है। जी हाँ भाई, तो सबसे पहले अपडेटेड एंड्रॉयड सीरीज तो December 2022। जी हाँ भाई, इस अपडेट के बाद आपको दिसंबर महीने का एंड्रॉयड सीरीज देखने को मिलता है आपके डिवाइस के अंदर। हालांकि अभी ये जनवरी चल रहा है, तो अगर जनवरी 2023 का सीरीज मिलता तो और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता, पर फिलहाल इस अपडेट के बाद आपको यहाँ पर दिसंबर का यानी दिसंबर 2023 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है आपके डिवाइस के अंदर, जो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बहुत ही बेहतर बात हो जाता है, जो एक अच्छा बात हो जाता है। उसके बाद भाई यहाँ पर इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो आपके डिवाइस की सिस्टम की सिक्योरिटी को भी काफ़ी बेहतर एंड काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है इस वाले अपडेट के बाद। उसके बाद भाई यहाँ पर ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी। जी हाँ भाई, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस MIUI 13.0.6.0 न्यू अपडेट के बाद, आपकी डिवाइस की सिस्टम की स्टेबिलिटी को काफ़ी इंप्रूव एंड काफ़ी बढ़िया कर दिया गया है। यानी जैसे आपके डिवाइस को वैसे यूज़ करोगे कोई भी लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी आपको स्टेबल एकदम बढ़िया स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपके पोको M3 Pro 5G डिवाइस के अंदर, यानी कोई भी लैग वगैरह कोई भी हैंग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा इस अपडेट के बाद। उसके बाद भाई नेक्स्ट फीचर की बात करें तो बहुत सारे लोगों को बैटरी ड्रेन इशू मिलता था पोको M3 Pro 5G डिवाइस के अंदर, तो इस वाले अपडेट के बाद भाई आपको बैटरी ड्रेन इशू देखने को नहीं मिलेगा, यानी आपको बैटरी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले और भी बेहतर और भी बढ़िया देखने को मिलेगा, यानी बैटरी जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। अगर आप गेम खेलते हो कोई भी हेवी टास्क करते हो यहाँ पर आपके डिवाइस के अंदर, तो आपको बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिलेगा इस अपडेट के बाद, यानी बैटरी परफॉर्मेंस को काफ़ी इंप्रूव एंड काफ़ी बढ़िया एंड एनहेंस कर दिया गया है MIUI 13.0.6.0 इस अपडेट के बाद। उसके बाद यहाँ पर भाई देखो, बहुत सारे लोग पोको M3 Pro 5G डिवाइस के अंदर गेम खेलता है, कोई पबजी खेलता है, कोई कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता है, तो कोई भाई यहाँ पर BGMI खेलता है। तो जो चारों गेम का मैंने आपको नाम बताया, इन चारों में से कौन से गेम को
आपके पोको M3 Pro 5G डिवाइस के अंदर खेलते हो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि इन चारों में से कौन से गेम को आपके डिवाइस के अंदर खेलते हो, ठीक है ना। तो देखो भाई, इस पार्टिकुलर न्यू अपडेट के बाद आपके गेमिंग परफॉर्मेंस को भी काफ़ी बेहतर एंड काफ़ी बढ़िया कर दिया गया है, यानी आपको गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। गेमिंग परफॉर्मेंस को काफ़ी स्टेबल एंड काफ़ी स्मूथ कर दिया गया है, यानी अगर आप फ्री फायर, BGMI, PUBG वगैरह या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी कोई भी गेम खेलते हो आपके पोको M3 Pro 5G डिवाइस के अंदर, तो इस अपडेट के बाद आपको गेम खेलने में भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको एकदम लैग वगैरह, हैंग वगैरह कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, या डिवाइस की बैटरी परफॉर्मेंस के साथ, सिस्टम की स्टेबिलिटी के साथ गेमिंग परफॉर्मेंस पर भी ध्यान दिया गया है इस पार्टिकुलर अपडेट के बाद। तो यहाँ पर भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कौन से वर्जन के दौरान एक और न्यू अपडेट इंडिया पे पोको M3 Pro 5G डिवाइस के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है, अपडेट का साइज़ क्या है एंड क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। तो भाई अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला है तो देखो भाई, आप मैनुअली अपडेट कर सकते हो। जी हाँ भाई, अगर आपको मैनुअली अपडेट करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको OTA लिंक या फिर रिकवरी रॉम का लिंक मिल जाएगा, तो इन दोनों में से किसी एक लिंक को आप डाउनलोड कर लेना, आपको मैनुअली अपडेट आप कर पाओगे आपके डिवाइस को, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप मैनुअली अपडेट करना नहीं चाहते हो, ऑफिशियल अपडेट को वेट कर रहे हो आपके पोको M3 Pro 5G डिवाइस के अंदर, तो यहाँ पर भाई 7 से लेकर 10 दिन आप वेट करो। जी हाँ भाई, आपको यहाँ पर 1 हफ्ता से लेकर 10 दिन वेट करना पड़ेगा आपके डिवाइस के अंदर, पोको M3 Pro 5G डिवाइस के अंदर ये अपडेट आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भाई लोग आज की इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। जी हाँ, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। उसके साथ साथ भाई आपके सारे दोस्तों के पास ये वाला वीडियो आप शेयर जरूर से कर देना, ताकि आपके दोस्त को पता चल जाए भाई पोको M3 Pro 5G डिवाइस के अंदर कौन से वर्जन के दौरान एक और न्यू अपडेट इंडिया पर रोल आउट होना स्टार्ट यार हुआ है। उसके साथ साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको भी आप जरूर से ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिल जाए, यानी भाई पोको M3 Pro 5G डिवाइस के अंदर फ्यूचर पे जो भी अपडेट्स आएंगे उसका वीडियो आपको तुरंत भाई सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तब जाके आप वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों आज का ये वाला वीडियो बस यार इतना ही।